गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, हमने साइंस के अंदर 2019 का क्वेश्चन हम देख रहे थे, बोर्ड के क्वेश्चन देख रहे थे सातवें पार्ट के, उसमें हमने 2019 के क्वेश्चन देखे थे ऊपर वाले। अब मैं अथवा के नीचे वाले बता रहा हूँ, 2019 बोर्ड 2019 के हम क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें हमने देख लिए थे 2019 के क्वेश्चन। अथवा का एक बाकी रहा था, अथवा में क्या आया था वो मैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। पहला था, आवृत में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण घटते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या प्रश्न था? आवृत में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं, धात्विक गुण घटते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या कहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा है, ब वाला क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम देने वाले, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम तथा त्रिक नियम समझाएं। ये दूसरा सवाल था। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में, क्या कहा है? थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में गोले के अंदर उपस्थित, गोले के अंदर उपस्थित परमाणविक कणों का नाम लिखिए, परमाणु कणों का नाम लिखिए और मॉडल को एक उदाहरण देकर समझाइए, तथा मॉडल को उदाहरण से समझाएं। ये क्वेश्चंस थे, ये तीन क्वेश्चंस अथवा में थे, या तो हमें ऊपर वाले तीन क्वेश्चंस करने या फिर नीचे वाले तीन क्वेश्चंस करने। ये भी क्या थे? देखो ये भी पांच नंबर के क्वेश्चंस थे, एक प्लस दो के फॉर्म में ये क्वेश्चंस था। तो देखो सबसे पहले ये रहा, आवृत में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण मैंने बताया था, क्या बताया था? कि आवृत में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा बताओ? आवृत में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष पे कैसी हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी और फलस्वरूप आकार घटेगा। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि धात्विक गुण कब बढ़ते हैं, धातु कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान होगा? बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं होगा, क्योंकि नाभिक ने मजबूती से पकड़ के रखा है। और धात्विक गुण कब बढ़ते हैं? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए धात्विक गुण का मान क्या होगा? घटेगा। जो धातु वाला हमने समझाया है उसके अंदर आप जाके देख लेना, उस वीडियो के अंदर उसमें पूरे डिटेल्स है। तो इस कारण से धातु गुण घटते हैं। धातु गुण कहां बढ़ते हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाता है और धनायन बनाता है, तो धनायन बनने पर धातु गुण बढ़ते हैं। तो वर्ग में तो बढ़ते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं। आई बात समझ में? चलो दूसरा क्या है? तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया था बताओ? डॉब राइनर ने। किसने दिया था? डॉब राइनर ने। तो इसका आंसर एक तो हो गया डॉब राइनर ने। तो विज्ञानी का नाम क्या था? डॉब राइनर। तत्वों का
त्रिक नियम देने वाले उनके वर्गीकरण का, त्रिक नियम देने वाले का नाम क्या था, डॉबराइनर। सबसे पहले यही आया था, डॉबराइनर ने त्रिक नियम दिया था। अब ये त्रिक नियम क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि त्रिक नियम का मतलब इसने तीन तीन के समूह बनाए थे। क्या बनाए थे, तीन तीन के समूह। और क्या कहा था कि जब उनको परमाणु के बढ़ते हुए भार के क्रम में हम जमाते हैं, तीन तीन के समूह में इसने जब जमाया तो उसने कहा कि पहले और तीसरे के परमाणु भार का योग और उसका औसत बीच वाले का परमाणु भार होता है। क्या कहा था इसने, पहले और तीसरे के परमाणु भार का योग और उसका जब औसत निकालते तो बीच वाले का परमाणु भार होता है, और उन पहले और तीसरे के जो गुण है वो दोनों गुण जो है उनके जो गुण है वो मध्यवर्ती परमाणु के अंदर मौजूद होंगे। ये इसने कहा था, किसने, डॉबराइनर ने कहा था। इसने तीन तीन और कितने समूह बनाए, तीन समूह बनाया था। देखो एक समूह ये बनाया था इसने, लिथियम सोडियम और पोटेशियम इसके साथ, और इसके कितने थे, इसके थे 29 और इसके कितने आए 23, ये आए थे ना 7 और 29 और इसके नहीं 39, इसके कितने थे 39 और इसके कितने आए 23। अब क्या देखो, इसके 7 थे परमाणु क्रमांक सॉरी परमाणु भार और इसका कितना है 39, दोनों का योग किया 7 प्लस 39 बट्टा 2, तो बताओ कितना हुआ 39 और 7 जोड़े जब कितने हो रहे थे 46, और 46 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 23। तो लगभग देखो ये बीच वाला इसका कितना होता है सोडियम का 23। तो इस तरीके से इसने क्या था कि पहले और दूसरे के परमाणु भारों को जब जोड़ेंगे और उसका औसत निकालेंगे, औसत का मतलब क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कितनी राशियां हैं 2, उसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया 23, तो बीच वाले का आएगा। और इन दोनों के गुण भी जो है वो इससे मैच होते हैं, किससे, सोडियम, इन दोनों के गुण सोडियम के अंदर है, समझ गए, वो लिथियम और सोडियम के। तो ये नियम किसने दिया था, ये दिया था डॉबराइनर ने, ध्यान है, तत्वों के वर्गीकरण त्रिक देने वाले वैज्ञानिक का नाम डॉबराइनर। और इसने क्या कहा था, तो इसने कहा था पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले का परमाणु भार होता है। और ऐसे ही किसने कितने बनाए, तीन ही बना पाया था, कितने बनाए पाया था, तीन ही बना पाया था, इससे ज्यादा इसने नहीं बनाए पाए। एक कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम का एक अलग बनाया था, और एक बनाया था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, ये तीन इसने बनाए थे। आई बात सुन में, तो ये दिया डॉबराइनर। अब आते तीसरा, थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में, यानी इस तरीके का डायग्राम हमें एग्जाम में दिया हुआ है जहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन 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 इस तरीके से है और इसके बीच में खाली जगह, तो बताओ इसने क्या करा, परमाणु कितना, गोले के अंदर उपस्थित परमाणुकण का नाम, ये धनावेशित भाग है, क्या है, धनावेशित भाग, जिसको क्या कहा था रदरफोर्ड ने, नाभिक कहा था। और इसने कहा था कि ये धनावेशित भाग है जिसको प्रोटॉन नाम दिया था, इसने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन ही है, धनावेशित भाग क्या होता है, प्रोटॉन या नाभिक जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, समझ गए। तो थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप ने इसने क्या था कि एक धनावेशित भाग होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे हुए रहते हैं, तो इसको धनावेशित भाग या पॉजिटिव चार्ज वाला भाग जिसे हम प्रोटॉन, या इसका नाम रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, इसका नाभिक नाम दिया था, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे, इसलिए कहते थे कि ये परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इसने कहा था कि इसमें परमाणुकण का नाम क्या, तो हम क्या कहते हैं, धनावेशित भाग, और जिसे हम क्या कहते थे, प्रोटॉन, क्या कहते थे, प्रोटॉन कहते हैं, धनावेशित भाग। अब इसने कहा कि इसको एक मॉडल उदाहरण से समझाओ, इस मॉडल को, तो उदाहरण कौन सा, तरबूज वाला हम लेते थे, तरबूज के अंदर का जो रेड वाला भाग है उसको हम कहते हैं धनावेशित भाग या प्रोटॉन वाला भाग कह सकते हैं, समझ गए। और उसके अंदर जो बीज होते हैं उस तरबूज के, वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो उस तरह से हमें समझाया था। फिर बूंदी के लड्डू से भी, कि बूंदी का लड्डू जो है उसका जो पूरा भाग है वो तो उसके अंदर कहलाता है धनावेशित भाग, और बूंदी जो धसी हुई रहती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉडल की सहायता से कैसे, तरबूज से समझाते, तरबूज का रेड वाला भाग क्या कहलाएगा, धनावेशित भाग, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये थॉमसन के परमाणु प्रतिमेय गोले के अंदर क्या होगा, जो धनावेशित भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। और मॉडल को किस उदाहरण से, तो उदाहरण हो गया तरबूज का, तरबूज का रेड वाला भाग है वो धनावेशित भाग की तरह व्यवहार करेगा और उसके अंदर धसने वाले जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेंगे। तो ये 2019 के अथवा के क्वेश्चन से, या तो ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमने उस दिन बताए थे, या फिर नीचे वाले क्वेश्चन से आप सॉल्विंग कर सकते हो। अब हम चलते हैं 2018, अब 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो हम चलते हैं 2018 में। बहुत से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस और रिपीट वाले आ रहे हैं, सब रिपीट, एक दूसरे से रिपीटेड आ रहे हैं,
रिपीट और होके आ रहे हैं। अब 2018 की मैं बात करता हूं, बोर्ड 2018 का देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं अ वाला लिख देता हूं फिर मैं अथवा वाला लिखूंगा। देखो आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, पहला सवाल था। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था, ऋण आयन का आकार अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है क्यों, ये तो हमने उस दिन भी समझ लिया था। ऋण आयन का आकार अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है, क्यों। और तीसरा क्वेश्चन इसका था, कैल्शियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड सिलिकॉन हाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कैल्शियम सोडियम सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की संयोजकता बताइए, एल्यूमिनियम की संयोजकता बताइए, संयोजकता बताइए। ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पांच नंबर के हैं, वही किस ग्रुप में 112 वन प्लस टू के फॉर्म में है ये भी। अब इसके अथवा के बाद में पहले मैं इसको सॉल्विंग कराता हूं। देखो आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित, मैंने लिखाया था परिवर्तित संयोजकता पढ़ाई थी कौन, एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस ब्लॉक के यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी एफ ब्लॉक में कौन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, एफ ब्लॉक में कौन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये इसका आंसर है। परिवर्ती संयोजकता का मतलब एक से अधिक, परिवर्ती संयोजकता का मतलब क्या हुआ, वे एलिमेंट जो एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन तक भी दर्शाते हैं। तो कौन कौन से दर्शाएंगे, एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दर्शाते हैं और एक एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स दर्शाते हैं, जिन्हें हम संक्रमण धातुएं और आंतरिक संक्रमण धातुएं कहते हैं। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो जो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता का मतलब एक से अधिक। फिर ऋण आयन का आकार अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है क्यों, ये मैंने बता दिया था आपको कि ऋण आयन के आकार, ऋण आयन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ऋण आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को अंदर जोड़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, ऊर्जा कोश में वृद्धि हो जाती है, जिन कार्य से उसका आकार अपने संगत परमाणु या उदासीन परमाणु से क्या होता है बड़ा होता है। ये हमने पूरे डिटेल के अंदर उसका एग्जाम्पल लेके, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके समझा था। फिर देखो अब इसमें संयोजकता बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी हमें संयोजकता बतानी। देखो पहले है कैल्शियम हाइड्रोजन, तो ध्यान रखना ये जो है H2 किसकी है, इसकी है, तो बताओ कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी, प्लस वन, और हाइड्रोजन की क्या होती है, प्लस वन। तो भाई ये कैसे बना है, मैं आपको बताता हूँ ये बना कैसे है। देखो कैल्शियम की प्लस टू होती है, हाइड्रोजन की प्लस वन होती है, तो ये इसके नीचे आया और ये इसके नीचे आया, ध्यान समझना, ये प्लस वन होती है इसके नीचे और ये इसके नीचे, इसलिए क्या बन गया CaH2। बताओ कैल्शियम हाइड्राइड बनाना, तो बताओ कैल्शियम की कितनी हो गई, प्लस टू हो गई, इसका मतलब जो इनके घात के अंदर है वो इनकी संयोजकता है। बताओ सोडियम की, बताओ NaH या कितना, एक ही तो है, इसका मतलब सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई, सोडियम की संयोजकता क्या हो गई, एक, क्योंकि सोडियम का प्लस वन होगा, हाइड्रोजन का प्लस वन होगा, दोनों एक दूसरे के घात में जाएंगे, इस कारण से क्या हो गई, एक हो गई, तो यहाँ एक हो गई। बताओ सिलिकॉन की कितनी होगी, चार, डायरेक्ट पता कर सकते हैं ये चार, ये किसकी है, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो गई, चार हो गई, और एल्यूमिनियम की कितनी हो गई,
तीन, तो एल्यूमिनियम की हो गई तीन संयोजकता। तो ध्यान रखना कैल्शियम की दो, सिलिकॉन की चार, एल्यूमिनियम की तीन और सोडियम की एक, ये इनकी क्या है संयोजकता है। दूसरे के घात में पैरों के नीचे है वो उस वाले तत्व की क्या होती है संयोजकता होती है। अब जैसे सिलिकॉन है तो इसकी कितनी होगी चार ही, इसकी और हाइड्रोजन की तो कितनी है एक है, तो ये इसके पैरों के नीचे ये इसकी है, इसके पैरों के नीचे इसकी है, इसके पैरों के नीचे इसकी है, इसके पैरों के नीचे इसकी है, तो ये इनकी क्या हो गई संयोजकता हो गई। आई बात समझ में? चलो ये 2018 के ऊपर वाला, अब मैं इसके नीचे वाला सवाल जो है वो बताता हूं अथवा हम क्या आया हुआ है। अथवा को क्वेश्चन क्या है देखो, किन्हीं दो उपधातु, पहला वाला है ये अथवा में था, अथवा में क्वेश्चन है, ध्यान रखना या तो ऊपर वाला ये करो या फिर नीचे वाला ये करो। तो देखो अथवा में क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, किन्हीं दो उपधातु के नाम लिखो, पहला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो उपधातु के नाम लिखिए, किन्हीं दो उपधातु के नाम लिखिए, किन्हीं दो उपधातु के हमें नाम लिख रहे हैं, तो किन्हीं दो उपधातु के नाम ब वाला क्वेश्चन है, किसी आवर्त में बाएं से जाने परमाणुओं का किस प्रकार प्रयुक्त होता है, कारण सिद्ध करें। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, समझाएं ये वाला। और स वाला क्वेश्चन से परमाणु आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, परमाणु आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, किन किन को, सोडियम सीजियम लिथियम और पोटेशियम, इनको परमाणु आकार के, ये अथवा में थे, देखो बताओ किन्हीं दो उपधातु के नाम, तो उपधातु मैंने आपको लिखाई थी कौन कौन सी, देखो एक तो लिखाई थी बोरॉन सिलिकॉन आर्सेनिक एंटीमनी, फिर मैंने आपको टेलीरियम पोलोनियम ये सारी मैंने लिखाई थी आपको, जर्मेनियम, ये सारी क्या है उपधातु है, क्या है उपधातु है, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन से आती थी, इनमें से कोई भी हमें दो उपधातुओं के नाम लिखने हैं, तो बोरॉन होगी सिलिकॉन होगी आर्सेनिक एंटीमनी टेलीरियम पोलोनियम जर्मेनियम, उपधातुओं के नाम हमें इसमें से लिखने हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से होता है आवर्त सारणी में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बताओ परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता था, मैंने बताया था आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु आकार क्या होता है, देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा वही बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष पे मजबूत होगी, तो फलस्वरूप आकार क्या होगा घटेगा ना, तो इसका मतलब परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा बताओ, परमाणु आकार घटेगा, क्योंकि नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष पे मजबूत होती है, उसमें धनावेश बढ़ने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन को मजबूती से खींचेगा और आकार कैसा होता जाएगा छोटा होता जाएगा। तो ध्यान रखना परमाणु आकार हम बाएं से दाएं जाने पर हमेशा क्या होता है घटता है, ये हो गया सवाल। परमाणु आकार के बढ़ते क्रम बताओ ये किसके हैं, एस ब्लॉक के पहले भरे के एलिमेंट से ये, तो देखो क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या आता है उसमें, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम, इस तरीके से आते हैं, हे लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, मैंने ऐसे बताया था। अब देखो इसमें क्या क्या है, ये आवर्त सारणी के देखो क्या है, पहले सबसे पहले ये आता है, फिर तो परमाणु आकार ये ऐसे नीचे जाते, तो परमाणु आकार क्या होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है ना, परमाणु आकार क्या होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो बढ़ता है तो बताओ सबसे लास्ट में इसमें कौन आ रहा है, सीजियम, तो सीजियम का सबसे ज्यादा, तो सीजियम का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बताओ सीजियम के बाद यहाँ कौन आएगा, पोटेशियम जो हमें कहा है उसी के बारे में, फिर उसके बाद आएगा पोटेशियम इससे थोड़ा कम, फिर पोटेशियम के बाद कौन है सोडियम, तो ये आएगा सोडियम, और सोडियम के बाद सबसे कौन कौन है लिथियम, लिथियम, तो ये ध्यान रखना ये इनका क्या हो गया बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, तो सबसे सीजियम सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम, आई बात समझ में, इस तरीके से ये इनके व्यवस्थित क्रम हो गया।
तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, तो बढ़ते क्रम में तो सीजियम होगा, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। तो ये हो गया बोर्ड 2018 के क्वेश्चंस, अथवा जो पांच पांच नंबर के पूछते थे। तो 2020, 2019 और 2018 के क्वेश्चंस हमने किए। अब हम लेते हैं बोर्ड 2017। ध्यान रखना कि बोर्ड 2017 से क्वेश्चंस जो है वो चेंज आते थे, क्योंकि उस टाइम एनसीईआरटी पैटर्न होता था। कौन सा पैटर्न होता था? एनसीईआरटी पैटर्न होता था। तो अब देखो एनसीईआरटी पैटर्न होने के कारण क्या क्या चेंजेज आए उसमें। तो बोर्ड 2017 में हमें क्वेश्चंस पूछते थे तीन नंबर के, इस यूनिट से नंबर कितने आते थे? तीन नंबर के क्वेश्चंस आते थे। तो देखो बोर्ड 2017, बोर्ड 2017 में तीन नंबर के क्वेश्चंस ही आते थे। तो कौन कौन से पूछा है पहले, और उस टाइम यूनिट भी थोड़ी अलग चेंजेस थी। जो भी एनसीईआरटी का नया कोर्स आया है ना 9th में, अभी अगली साल होगा वो 10th का, अपने में नहीं है, तो अपने तो वही पुराना चलेगा। तो क्या है देखो, ये एनसीईआरटी का कोर्स था, तो उसमें था समस्थानी किसे कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। फिर आधुनिक आवर्त नियम दीजिए, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था इस यूनिट से। तीन क्वेश्चन क्रम से पूछते थे, एक दो तीन। दो उत्कृष्ट गैसों के नाम बताइए, नाम बताइए, लिखिए। तो ये 2017 में कोई अथवा में नहीं था, सिर्फ ऐसे आते थे +1 +1 +1, तीन नंबर के क्वेश्चंस आते थे, +1 +1 ऐसे बराबर तीन नंबर के क्वेश्चंस ये 2017 में पूछते थे। तो देखो पहला क्या, समस्थानी किसे कहते, मैंने आपको बताया था समस्थानी का मतलब होता है वह एलिमेंट्स जिसके अंदर क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानी। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थान H1, H12 और H13, ये हाइड्रोजन के समस्थानी के हाइड्रोजन। फिर आते हैं देखो ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ये तीन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के समस्थान, इनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, तो उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। एक नंबर का क्वेश्चन इतना ही लिखना है। आधुनिक आवर्त नियम देखिए, तो आधुनिक आवर्त नियम पता है किसने दिया था, मॉजले ने क्या कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये इसका आवर्त नियम है। एक लाइन में ही लिखना है, एक नंबर का, ज्यादा नहीं लिखना है। तो क्या है आधुनिक आवर्त नियम, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये किसने कहा था, मॉजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था। और मेंडेलीफ ने क्या दिया था, उसने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, किसने कहा था, आधुनिक आवर्त नियम, मॉजले ने। दो उत्कृष्ट गैसों, देखो वर्ग 18 के जो एलिमेंट्स है वो सारे उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबल गैसें जिन्हें हम कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती क्योंकि इनका भाईतम कोष पूरा होता है। तो 18 वर्ग के जो एलिमेंट्स है, तत्व है, वो कौन कौन से, देखो 18 वर्ग की गैसें कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, हेना, आगर, कर, जीरो, रन, ये सारी जो है ये गैसेज है, वो किसकी है, 18वें वर्ग की है। वर्ग 18 में जब आप जाओगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे लास्ट हुआ 18वां वर्ग, इनका भाईतम कोष पूरा भरा हुआ रहता है इसके, इसलिए किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, इसलिए ये प्रकृति में बहुत कम पाई जाती है। ध्यान रखना हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेंडियम, मैं इनको कैसे याद करता हूं, देखो हे न आगर कर जीरो रन, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, हे न आगर कर जीरो रन, क्योंकि बॉलर था तो रन कहां से बनाएगा, इसलिए ध्यान रखना हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेंडियम, ये इस तरीके से इनकी गैसें हैं। तो इनमें से कोई भी दो के नाम हमें लिखने हैं, दो उत्कृष्ट गैसों के नाम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, ये नियॉन है, ध्यान रखना। इनका सभी का भाईतम कोष पूरा होता है, इसलिए प्रकृति में बहुत कम रूप में ये मिलती है, क्योंकि ये किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, क्योंकि इनका कोष पूरा होता है,
रिएक्शन कौन करता है, जिनका बाह्यतम कोश अधूरा होता है वो रिएक्शन करता है इलेक्ट्रॉन को देके या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ध्यान रहना। इसलिए सबसे ज्यादा जो सक्रिय है वो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सबसे सक्रिय गैसे धातु है, गैसों में ऑक्सीजन है, ये सारी सक्रिय है, समझ गए। तो ये था 2017 के अंदर तीन क्वेश्चन पूछे हुए, तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है। अब हम आते हैं बोर्ड 2016 में क्या पूछा हुआ है वो बता देता हूं मैं। बोर्ड 2016 का पहला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत को लिखिए। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के से समान गुण रखने वाले तत्वों के नाम लिखिए। निम्नलिखित से समान गुण रखने वाले तत्व का नाम लिखिए। निम्नलिखित से समान गुण रखने वाले तत्व का नाम लिखिए, इसमें पहला जो दिया है वो है नाइट्रोजन और दूसरा जो दिया है वो दिया है लिथियम। तो देखो ये दो क्वेश्चंस दिए थे, 2+1 क्वेश्चंस दिया था, ये 2 नंबर का और एक नंबर का, 3 नंबर के पूछे बोर्ड 2016। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को लिखे, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत हमने पढ़ा है, क्या है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आपको भी पता होगा। उसने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब तत्वों को उसने व्यवस्थित किया था, उसने पाया कि पहले तत्व के गुण 8वें तत्व से मिलते हैं। पहले तत्व के गुण क्या होता है, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है जब उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में हम जमाते हैं। तो उसने कहा था पहले तत्व के गुण 8वें तत्व से मिलते हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे संगीत के स्वर होते हैं 8, सा, रे, गा, मा, प, ध, नि, शा, तो पहला सा आता है और लास्ट वाला भी सा आता है, ठीक उसी प्रकार तत्वों को जो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाते हैं। तो लेकिन उसने कैल्शियम तक ही बताया, और उसने कितना बताया कि प्रकृति में सिर्फ 56 ही है। उसने कितने बताया, उसने कितनी भविष्यवाणी की थी तत्वों की, 56, कि प्रकृति के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 56 एलिमेंट्स ही है, जबकि आज कितने खोजे गए, 118 एलिमेंट्स है। जबकि इसने क्या कहा था कि 56 एलिमेंट्स ही कहा था, अपने जानकारी की उसने कहा था कि 56 एलिमेंट्स ही होंगे, तो 56 एलिमेंट्स के बारे में इसने भविष्यवाणी की थी। लेकिन इसने ज्यादा नहीं चला क्योंकि ये कम समय कैल्शियम तक ही समझा पाया। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाएंगे तो पहला तत्व 8वें तत्व से समान गुण रखेगा, यानी एक निश्चित क्रम के बाद उनके गुणों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरीके से फिर अब देखो, निम्नलिखित से समान गुण रखने वाले तत्व का नाम लिखिए, तो है नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन किससे समान गुण रखेगा, जो नाइट्रोजन के ग्रुप में आएगा उससे, और लिथियम किससे समान गुण, जो लिथियम के ग्रुप में आएगा। तो बताओ लिथियम तो है पहले वर्ग का, ये ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये पहले वर्ग, और नाइट्रोजन आता है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 13, 14, 15वें वर्ग का, किस वर्ग का, पी ब्लॉक में 15, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन में क्या आता है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब पिकारी, इस तरीके से ये आता है। देखो तो ये 15वें वर्ग का है एलिमेंट्स, 15वें वर्ग, तो 15वें वर्ग में जो जो आएंगे उससे ये समानता दर्शाएगा। और लिथियम किससे समानता दर्शाएगा, जो इसके वर्ग में आएगा, मतलब लिथियम सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम से, सीजियम से और फ्रांसियम से। तो मैं क्या लिख रहा हूं, निम्नलिखित में समान गुण वाले तत्व का नाम बताए, तो नाइट्रोजन से समान गुण कौन रखेगा, और लिथियम, लिथियम से कौन, ये रख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, ये लिथियम से समानता रखेंगे क्योंकि लिथियम के ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में है, तो वो ग्रुप क्या होगा, उनके गुण समान होंगे। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका समान होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें समान होगी, दोनों एस ब्लॉक्स में आएंगे, धातु कहलाएंगे, क्षारीय धातु कहलाएंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसमें से कोई भी एक तत्व का नाम लिख दो, सोडियम लिख दो, पोटेशियम लिख दो, रुबिडियम लिख दो, सीजियम, फ्रांसियम लिख दो। नाइट्रोजन किसके, नाइट्रोजन के ग्रुप में आने वाले कौन कौन से, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनसे ये समानता रखेगा। तो नाइट्रोजन इनसे समानता रखेगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
इनसे रखा, क्योंकि नाइट्रोजन के ग्रुप वाले हैं इसलिए नाइट्रोजन इनसे समानता रहेगा। एक ही वर्ग में आने वाले तो समान गुण होंगे ना भाई, आवर्त सारणी बनाई क्यों है कि एक ही ग्रुप में आए उनके सभी के गुण क्या हो जाए, मैच हो जाए, इस कारण से उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। जैसे मेंडलीव ने भी रखा और मॉडलेव ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में इसको रखा। तो ये इनसे गुण, अब इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, उसमें से कोई भी आप लिख सकते हो। तो ये 2017 के क्वेश्चन हुए, 2016। अब हम कल जो है वो 2015, 2014 और जो 2013 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप इनके क्वेश्चंस को नोट करें और इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो उसको लिखे, कि जो अलग से है जिसको हमने कॉपी में नहीं लिखा है तो उनको आप अलग से नोट करते रहें और इनको ध्यान से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।